गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी अपन रेगुलर करेंगे। ये सिंपल कर्व, सबसे पहले कर्व वाली बार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कर्व टूल बार है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही अब जो है अपन कंटिन्यू करेंगे, इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, इसी को सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल कर्व, ये मैं इसको सिंपल कर्व को यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो नीचे सिंपल कर्व शो हो रहा है। रिकॉर्डिंग में पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो आप जैसे ही सिंपल कर्व पे जाएंगे वो आपको दिखाएगा सिंपल कर्व, ठीक है। और ये कर्सर पे इसकी लोगो भी आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें सीधी लाइन बनाना, स्ट्रेट लाइन। ये ठीक वैसे ही है जैसे पेपर पे अपन पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, कुछ भी स्केच बनाते हैं, कुछ भी करते हैं पेपर पे, तो वो पेंसिल से करते हैं। और ये भी यहाँ भी ड्राइंग करनी है, ये टेक्निकल ड्राइंग है, तो ये इस टूल से करनी है, ठीक है। सीधी एक लाइन ली, ये इसको जूम करेंगे, ये जूम बॉक्स है, जूम बॉक्स ये वाला, ये देखिए आप, हाँ ये जूम बॉक्स क्लिक किया और इसको छोड़ना नहीं है जब तक अपना पूरा कर्व उसमें नहीं आ जाता। जी हाँ, जहाँ तक अपने को जूम करना है, इस स्क्रीन के अंदर जो आ रहा है, उस बॉक्स के अंदर जो आ रहा है वो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। क्लिक किया, अब छोड़ना है, छोड़ दिया। अब ये कर्व देखिए पूरा स्क्रीन पे आ गया। अब इसको सीधी लाइन में बनाना है, ये अपन ने सीधी लाइन बनाई, ठीक है। अब अभी तक कर्व अपने, ये जो टूल है ये देखिए कर्सर के साथ है। अभी मैं स्पेस दबाता हूँ, स्पेस बार, अब ये चला गया, ये जो है कर्व चला गया और कर्सर जो है अपना येल्लो हो गया। लेकिन अभी सेलेक्ट है, ये जो था ये अपना कर्व सेलेक्ट है। अभी अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद में सबसे पहला काम है राइट क्लिक करना, ठीक है। राइट क्लिक किया, ये डीसेलेक्ट हो गया। अभी इसका कलर चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया, कि मेरा रेड किया हुआ था तो वो रेड आ रहा है, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर आता है, ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं। तो इसको सेलेक्ट किया, एडिट ऑब्जेक्ट लेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेयर में गए और मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं इनमें जो कलर चाहते हैं वो क्लिक किया, और कुछ नहीं छेड़ना है, बस यहाँ पे क्लिक किया और ओके, ये ग्रीन कलर हो गया। अब इस पर बात करते हैं कि ये जो नंबर्स आते हैं 0, 1, 2, 3, ये कितने भी हो सकते हैं, 200, 300, 500, 1000, 2000, इनको CV बोलते हैं। CV आप इधर जाएंगे तो इसमें दिखाएगा, ये रहा CV, हाइड CV, शो CV। तो ये लाइन अभी आ रही है बट इस पर नंबर्स भी आ रहे हैं, तो नंबर अपने को नहीं चाहिए। सेलेक्ट किया, एडिट हाइड CV, हाइड CV, वापस आके इधर राइट क्लिक कर दिया। अब ये सिर्फ प्लेन लाइन दिखा रहा है, कोई इस पर नंबर नहीं है, कोई इस पर नंबर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कर्व बनाते हैं, सिंपल कर्व से ही, सिंपल कर्व से ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम अपने को इसी पे करना है। ये मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो कर्व ऑटोमेटिक फ्लो लेगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये नंबर के पास में ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, इस डॉट को क्लिक करके आप इधर उधर करेंगे तो ये मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करेगा, तो इसको एडजस्ट करना है। जैसे अपन ये जो कर्व है ये अपने को जहाँ जैसा चाहिए, जब तक वो शेप नहीं आ जाएगी तब तक इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अभी स्पेस दबा दिया मैंने, हो गया। लेकिन
ऊपर वाली लाइन को मैं ऊपर उठा देता हूँ ये मूव कमांड से। ये जो इधर जो है ये मूव टूल्स टूल बार है, मूव पे क्लिक किया और मैंने सीधा वर्टिकली इसको ऊपर उठा दिया, स्पेस दबा के राइट क्लिक करके उसको डिसलेक्ट कर दिया ताकि वो कोई डिलीट डिलीट नहीं हो जाए अपने से। अब यहाँ पे मैंने कर तो दिया लेकिन अभी मुझे वापस इस पे काम करना है, तो अगर अभी बता देता हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ आपको। वापस इसके सेलेक्ट किया और एडिट में हाइड सीवी हाइड कर दिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, एडिट में ऑब्जेक्ट लेयर और इसका रेड कर देते हैं, ये लीजिए। तो आज हमने दो कर्व बनाए, एक ये सीधी लाइन से और एक ये कर्व में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।